प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। कि झूठे लोगों की झूठी दुनिया में सच्चे इंसान और सच्चा प्यार पाना या सच्चे लोगों को ढूंढना आज एक बहुत ही मुश्किल काम बन गया है। बहुत सारे लोग इसीलिए तो अपने पार्टनर के बारे में ये जानना चाहता है कि उसका पार्टनर रियल में उसको प्यार करता है या नहीं करता। अगर करता है तो कितना प्यार उसे करता है, क्या वो अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, उसका पार्टनर भी उन्हीं को प्यार करते हैं। शायद आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना नहीं चाहता कि आपका पार्टनर आपको रियल में प्यार करता है या नहीं करता। मैं उन लोगों के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा जो लोग आपको हद से ज़्यादा प्यार करते, जो आपके लिए पूरी तरह से दीवाने हैं, जो आपको पूरी तरह से समर्पित है। ऐसे लोगों के बारे में इस वीडियो में बात करें, क्योंकि ऐसे काम आपको प्यार करने वाले सिर्फ वही इंसान करते हैं जो आपके लिए खुद को भुला गए होते हैं, जिनके लिए उनसे भी पहले आप होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे जानोगे, ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानोगे? उनको जानने का, उनको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से मैं आपको चार इंपॉर्टेंट तरीकों के बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको सबसे आगे तब काम आएंगे जब आपकी लाइफ में कोई विफलता आती है, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर आप फंस जाते हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई मुश्किलियों का दौर चल रहा होता, जहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ऐसे लोग बिना बोले भी सबसे पहले आपके आगे आते हैं आपकी हेल्प करने के। हम देखते हैं कि इस समय में जब आपको रियल में किसी की ज़रूरत होती है, जब आप मुश्किल में होते हैं, ऐसे समय में लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे लोग होते हैं आपके हर फैसले का समर्थन करते हैं। हर लोगों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको लगता है कि ये सही है या आपके पार्टनर को लगता है ये सही है। किसी भी मामले में जो आपका पार्टनर हद से ज़्यादा आपको प्यार करता है, वो आपके हर फैसले का समर्थन करेगा। अगर आप कहते हो कोई ऐसी चीज़ जो उनको पसंद, चाहे फिर वो चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में वो जानता है कि शायद वो जो जानता है वो सही है, आप जो जानता है वो ज़्यादा सही ना है, फिर भी वो आपके फैसले को ही मानेगा, आपके फैसले को ही समर्थन करेगा, क्योंकि ये आपका फैसला है और उनको लगता है कि आपके फैसले को समर्थन करने से आपको अच्छा लगता है, आपको ये बात उनकी अच्छी लगती है, वो आपको किसी भी चीज़ में नाराज नहीं करना चाहता। पहले आपने जो तरीका बताया, जो आपने जिस बात को चुनी है वो ज़्यादा कठिन है उनके लिए करना, फिर भी वो आपके फैसले का समर्थन करेगा, उनके लिए जो सही होगा उसके बारे में नहीं सोच, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि आपको कौन सी बातों से खुशी मिलती है, उनके लिए आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तीसरी बात, ऐसे लोग जो आपके लिए खुद को भुला गए होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनको आपकी लाइफ के बारे में, आपके हर घटना के बारे में उतना डिटेल से पता होता है जितना उनको अपनी लाइफ के बारे में भी पता नहीं होता। उनका ध्यान आपके ऊपर इस तरह से होता है कि वो अपने आप को भूल जाते, अपने बारे में सोचना भूल जाते, कई चीज़ें उनको अपने बारे में याद नहीं रहती, लेकिन वो आपके बारे में याद रखते हैं, क्योंकि इस तरह से वो आपकी पूरी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं और हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते हैं। उनको आपके बारे में सब पता होता है कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको दुखी करती है, उनको सब पता होता है कि कौन सी बातों से आपका दिल खुश होता है, और ये आपकी लाइफ में इंटरेस्ट इसलिए ही लेते हैं कि उनको लगता है कि इन सारी चीज़ों में कहीं वो आपको खुशी दे सके, कहीं आपकी लाइफ में और खुशियाँ वो बांट सके। ऐसे लोग जो आपके लिए खुद को भुला गए होते हैं, वो आपकी हर छोटी मोटी चीज़ का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का वो आपके लिए ख्याल रखते हैं जितना आप खुद अपने लिए ख्याल नहीं रखते। आप अपना चार्जर लेना साथ में भूल गए, आप पावर बैंक लेना साथ में भूल गए, तो ऐसे लोग आपके बारे में ये भी ख्याल रखते हैं कि शायद आप वो चार्जर भूल सकते हो, तो आपके लिए पावर बैंक ऑलरेडी ला कर रख देते हैं। उनको पता होता है कि आप शायद भूल जाओगे, इसीलिए वो आपके बारे में इतना डिटेल से सोचते हैं, आपकी इतनी छोटी बात का भी वो ख्याल रखते हैं। हमेशा देखते होंगे कि ऐसे लोग होते हमेशा ट्राई करते कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करने का मौका मिले, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ समय स्पेंड करने का मौका मिले, और हमेशा ऐसे लोग आपके साथ समय स्पेंड करने का मौका ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों की कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जिससे ये पता चलता है कि वो खुद से ज़्यादा भी आपको प्यार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते तो कमेंट करें। आप इसको प्यार करते हो तो आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतने प्यार से आखिर तक मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच।